मैकेनिज्म देखा है। इसको पूरे अच्छे से आपको समझ लेना है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का और ओम्स लॉ का, तो वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है सारी चीज़ें मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, फिर दोबारा से नहीं समझना है, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि अब आपको दो टर्म्स मिल चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख रहे थे कि जब भी कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे थे तभी करंट मिल रहा था, मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई के करंट नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में। इसी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को के रिलेशन को समझाया है जॉर्ज साइमन ओम ने, उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं के नाम से एक लॉ है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है देखिए, तो समझते हैं थोड़ा सा कि ओम्स लॉ, ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, इसको हमने कनेक्ट किया एक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अगर हम यहां पे एक स्विच लगा लें, ठीक है, अगर स्विच ओपन है तो करंट नहीं जाएगा, स्विच को हमने क्या करा क्लोज कर दिया, ठीक। जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं आपको क्या मिलता है, एक करंट मिलने लगता है, ठीक है, कहां से कहां, हायर से लोअर, ठीक है। तो मैकेनिज्म पढ़ते समय हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर, करंट का डायरेक्शन भी हायर से लोअर, और इलेक्ट्रॉन का मोशन लोअर से हायर, क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन लोअर से हायर, करंट का मोशन हायर से लोअर, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट जाने लगता है, ठीक। अब जब करंट इस कंडक्टर में जाता है तो यहां पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, देखिए एक तो करंट में आपको क्या मिला, कंडक्टर में क्या मिला, करंट मिला, और यहां एक और पोटेंशियल डेवलप होता है भी जितना आपने अप्लाई किया है, ठीक, क्लियर। तो ये जो करंट मिल रहा है ये जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वी को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे घटा रहे हैं वैसे वैसे घट रहा है, ठीक है। तो ये करंट डिपेंड इससे किया वोल्टेज पे। अब दोबारा आ रहे हैं यहां पर कंडक्टर के क्रॉस से पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, ड्रॉप मतलब नुकसान ये कहते हैं, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो किस पे डिपेंड किया, करंट पे, यानी ये जितना ज्यादा होगा ड्रॉप उतना ही ज्यादा, जितना कम उतना ही कम, मतलब ये दोनों लगभग क्या है, मतलब एग्जैक्टली बराबर, लगभग की बात करेंगे जितना हमें दिया उतना इधर क्या हुआ, यूज हुआ, ठीक। जितना एनर्जी देंगे उतना ही तो यहाँ यूज होगा, तो यूज हो गया। अब इन्हीं के बीच का रिलेशन, वोल्टेज और करंट का रिलेशन ही किसने बताया, ओम ने, पिछले नाम ओम्स लॉ है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को हम क्या करें कॉन्स्टेंट कर दें, एक रूम में एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें जहां टेम्परेचर का वेरिएशन ना हो, प्रेशर का वेरिएशन ना हो, तो वहां पे रिलेशन क्या आता है वोल्टेज और करंट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब यहां एक चीज देखिए, जैसे कई बुक आप पढ़ेंगे तो किसी किसी बुक में डेफिनेशन दो तरीके से लिखे, मतलब दो अलग अलग डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक में मिलेंगे। एक में लिखा होता है कि इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और किसी में लिखा होता है कि पोटेंशियल डेवलप, ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। दो चीजें हुई कि पहले ये आया कि पहले ये आया, ठीक है, मतलब पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, सवाल ये है। तो क्या होता है जवाब, दोनों ही सही, यही होता है ना, मुर्गी को मान लिया आया पहले वो सही है, पहले अंडा मान लिया सही वो भी सही, तो कह रहे थे वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो दो डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक में मिलेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ अलग अलग बुक्स, मेरे पास कई सारी पड़ी हैं तो उसमें अलग अलग डेफिनेशन है, इसलिए दोनों को सही मान लिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा तरीका लिखाऊंगा कि इसमें दोनों ही कंसीडर कर लिया जाएगा, जिसको जो सही मानना है सही मान लेगा, ठीक है। हम स्टेटमेंट लेंगे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, और लिखते क्या है, लिखते कैसे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे तो लिखते हैं, ठीक। तो हमने क्या करा, देखिए स्टेटमेंट क्या ले रहे हैं कि इफ फिजिकल, देखिए आप अपनी कॉपी में लिखिए, ध्यान से सुनिए, पेन उठाइए लिखना शुरू कीजिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखें, इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस
लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन द करेंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. एक बार और सुनिए. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट ए फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन द करेंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर हुआ? तो ये स्टेटमेंट है. अब हम लिखते क्या है? लिख कैसे रहे भाई? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हमने कर दिया. और लिखे क्या थे? करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. तो दोनों ही आ गया उसमें. ठीक, दोनों आ गया. अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है? रेजिस्टेंस. ठीक, नया टर्म ले जाता है रेजिस्टेंस. क्लियर? तो इसकी हम बात करें थोड़ा सा. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को रोकता है. ठीक, क्या होता है? कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से चार्ज या करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में आया? हमारे पास जो नया टर्म मिला उसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस. उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस. ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस. ठीक, क्या होता है समझते हैं. हमने कहा कि जो अपोजिशन, अपोजिशन मतलब जो रोक रहा है, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का. ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. अब ऐसा रिप्रेजेंट करने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप प्लेन रोड पे चल रहे हैं, ठीक, और रोड पुराने समय का बिहार वाला रोड आ जाए, ठीक, यूं उबड़ खाबड़, ठीक. तो जब आप बाइक या कार लेके जाएंगे तो एक बार ऐसे जाएंगे, यूं चढ़ाई आता जाता रहेगा. तो होता क्या है, क्या आपकी स्पीड उतनी रह पाएगी जितना प्लेन रोड पे हाईवे पे लेके भाग रहे थे? नहीं, आपकी स्पीड घट जाती है. पता चलता है 10 पे आ गए, 5 पे आ जाते हैं कभी कभी तो. ठीक, क्योंकि पहले गाड़ी बचाना है ना, इतनी महंगी गाड़ी लेके चल रहे हैं. तो आपकी स्पीड घट रही है, मतलब खराब रोड ने आपकी स्पीड को क्या कर दिया? कम कर दिया, आपके मोशन को कम किया. वैसे ही कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके अंदर से चार्ज जाता है तो वो उसको ऐसा ही पाथ प्रोवाइड कर देता है, मतलब उसके मोशन को रेजिस्ट करता है. तो ये उसका सिंबल होता है. ठीक, बात समझ में? तो डेफिनेशन की बात कर लें तो क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, या चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कर लीजिए. ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया अपना जो अपोज कर रहा है चार्ज के फ्लो को. ठीक है, यूनिट क्या हो जाता है इसका? यूनिट की बात करें तो ये एग्जैक्टली वही ओम्स के नाम लिया जाता है. तो कहते हैं ओम, सिंबल ओमेगा ऐसे बना देते हैं ओम. ठीक है, यूनिट हो जाता है रेजिस्टेंस. बात समझ में? अब ये रेजिस्टेंस कितने तरीके का होता है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है. कौन कौन सा होता है? ओमिक एंड नॉन ओमिक. ठीक है, रेजिस्टेंस समझ में आया? जो अपोज कर रहा है चार्ज या करंट के फ्लो को. या टेंथ में पढ़े भी हैं इसलिए बहुत थोड़ा जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे. देखिए टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, पहला होता है ओमिक.
ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? विच ओबे द ओम्स लॉ, विच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। और इनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये अगर हम बात कर लें, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं इसके? जितने भी कंडक्टर्स हैं वो क्या होता है आपके? ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नॉन ओमिक क्या होता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ को जो ओबे नहीं करता। इनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई? स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल की बात कर लें तो जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं आपके क्या होते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। तो दो तरीके का रेजिस्टेंस मिला आपको, ठीक। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको हम आगे देखेंगे कि किन किन फैक्टर से डिपेंड रुकता है। रुक लीजिए, तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा हो जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अपोज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो देखिए इसमें फैक्टर्स होते हैं, एक डायमेंशनल फैक्टर्स होते हैं और एक एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं। तो डायमेंशनल फैक्टर में दो चीज आ जाता है आपका, लेंथ और एरिया, और एटमॉस्फेरिक फैक्टर में टेम्परेचर, ठीक है। तो डायमेंशनल फैक्टर में पहला जो लेंथ है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है? पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या करता है? ये भी अफेक्ट करता है। कैसे? तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, और घटाने से घटती है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस था, इसमें हमने क्या करके और बढ़ा दिया। कैसे? समझिए कि रोड 1 किलोमीटर तक खराब था, तो आपकी स्पीड 1 किलोमीटर तक ही खराब रही, मतलब टाइम तो आपका बढ़ रहा है। लेकिन वही रोड अगर 10 किलोमीटर तक खराब हो तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब रेजिस्टेंस आपको क्या मिला? बहुत ही ज्यादा मिला। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ा रहे, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्तों को आप बढ़ाते जा रहे हैं चार्ज के लिए, तो ये क्या हो रहा है? अपोज करने का नेचर बढ़ा, मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ी। रेजिस्टेंस कुछ अलग से नहीं होता है, बस ये समझिए कि कंडक्टर ही रेजिस्टेंस है। जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें जो भी वायर्स लगे हैं, डिवाइसेस लगे हैं छोटे छोटे, वो सब के सब क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपका पेन रेजिस्टेंस है, टेलीविजन रेजिस्टेंस है, हर वो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट सब क्या है? रेजिस्टेंस कहलाते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर हो जाता है एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है? देखिए कहते हैं कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है, ठीक। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जा रही है। कैसे भाई? नहीं सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है और एरिया घटाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। इनवर्सली रिलेशन है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। बात समझ में आया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पोर्शन, वही यही वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, हम दो कंडक्टर ले रहे हैं, एक का एरिया थोड़ा सा कम ये वाला, और दूसरा ले रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो होता क्या है, आप इसको पहले ऐसे अपने डेली लाइफ के सिचुएशन से समझिए कि एक छोटा सा बक्सा है, उसमें आपने क्या करा, एक रबर वाली बॉल जो ऐसे ड्रिबल करने से बहुत ज्यादा उछलता है, उसको लेकर कैसे ड्रिबल करके छोड़ दिया, क्या होगा, उस छोटे से डब्बे को बहुत ज्यादा बार टकराएगा डब्बे के सरफेस से, ठीक। लेकिन उसी बॉल को आप एक बड़े से हॉल में ऑडिटोरियम में ले जाकर के ड्रिबल कराइए, उतने ही फोर्स है, वो कितनी बार ड्रिबल करेगा, बहुत कम बार। ड्रिबल करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे आएगा और थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब उसको अपनी जगह से आगे बढ़ने में एनर्जी का लॉस कम होगा, क्योंकि जब कोलिजन हीट कम होगा तो दीवारों पे हीट एनर्जी ट्रांसफर कम करेगा। लेकिन जब छोटे वाले सरफेस में जा रहे थे तो वहां क्या हो रहा था, लॉस ज्यादा हो रहा था, क्योंकि कोलिजन बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं मेन पोजिशन पे, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इतनी ज्यादा बार कोलिजन करेगा कि हर बार अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो इसको आगे की तरफ बढ़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। बहुत कम डिस्टेंस चला, लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा होगा। इस वाले केस में क्या हो गया, अधिक से अधिक दो से तीन बार गया और यहां पे आ गया, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी कम, जब एनर्जी ज्यादा बची है तो आगे की तरफ भाग रहे आसानी से, मतलब रेजिस्टेंस में क्या हो गई, कम हो गई, क्लियर हुआ। अब इन दोनों को एक साथ लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या मिलता है, R is directly proportional to L by A, ये हो गया। अब जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कॉन्स्टेंट आता है R equals to rho L by A, ठीक है। अब यहां rho क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो जाता है आपका। ये एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने दो फैक्टर्स को पढ़ा, लेंथ और एरिया। तो जो तीसरा फैक्टर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। ये थोड़ा सा बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, क्यों अजीब सा लगता है, तो मैं भी आपको समझा रहा हूं। बस आपको इतना भी समझना क्या है, याद रखना क्या है, याद रखने की बात यह है कि जैसे ही आपने बढ़ाया टेम्परेचर वैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि टेम्परेचर को दोगुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाता है, ये बात समझिएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मतलब घटाने से क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। अब यहां पे लेंथ वाले केस में क्या था, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं लगाना है, ये आपको याद होना चाहिए पॉइंट। बढ़ाने का मतलब बढ़ा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता, तब होता है जब सेम रेशियो में बने तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो। यहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर किसी टी पे अगर हम निकालते हैं, आर टी विल बी इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक।
ये क्या होता है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे आपसे कहा जाए रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो आरटी, आर नॉट आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। ठीक, अल्फा क्या हो गया, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और डेल्टा टी क्या हो गया आपका, चेंज इन टेम्परेचर। तो इतने के फैक्टर शब्द क्या हो जाता है, चेंज होता है रेजिस्टेंस, आरटी इक्वल्स टू, यानी कि ये रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपका डिजाइन किया जाता है वो रूम टेम्परेचर पे डिजाइन किया जाता है। अब उसको आप लेकर के चले जाइए हिमालय की चोटी पे, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि वहां टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसी को लेकर चलिए रेगिस्तान में, सहारा के रेगिस्तान में, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है आपका डिवाइस ही खराब हो जाए तुरंत। ठीक, तो कई बार जो रेजिस्टेंस होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्पेसिफिक जगह के लिए डिजाइन किया जाता है, कि कुछ रेजिस्टेंस, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो काफी एक्सट्रीम कोल्ड पोजिशन में वहीं पर काम करेंगे, अगर उनको आप लेकर के चले आए गर्मी गर्म जगहों पे तो तुरंत जल जाता है, बर्न कर जाएगा सर्किट जल जाता है। तो ये होता है फैक्टर्स। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये तो होता है, ये तो है कि होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर रिलेशन निकाल लेंगे, रूम टेम्परेचर पर पता है कितने का अंतर आ रहा है टेम्परेचर में, अल्फा आपको दिया हुआ है, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि क्यों होता है, क्यों बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, क्यों घटा रहे हैं तो घट रहा है। तो जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने मेन पोजीशन पे रैंडम मोशन करता है, वाइब्रेट करता रहता है, तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ऐसा समझिए थोड़ा सा, क्या हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक, तो क्या हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, बढ़ा। ठीक, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी वजह से क्या हो गया, रैंडमनेस, क्योंकि इसकी वजह से हमने कहा कि क्या बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो जब रैंडमनेस बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो वो अपने सरफेस से टकराएगा, जब सरफेस से टकराएगा तो उसको आगे बढ़ने के लिए बची एनर्जी क्या होगा, कम बचेगा, क्योंकि वो तो ज्यादा का ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है। जब रैंडमनेस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, लॉस ऑफ एनर्जी बढ़ा। और जब लॉस ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये पॉइंट्स ऐसे इस तरीके से अगर रखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है तो लॉस ऑफ एनर्जी सरफेस से टकराने में बढ़ जाती है, और वो बढ़ता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ये स्टेप्स होते हैं कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर हुआ, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है।